वेलकम टू आवर चैनल संसार ग्रीन। मैं पंकज आपका दोस्त एक बार फिर आपके सामने आया हूँ एक नई और एक शानदार जानकारी के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा आप अपने घर में आसानी से जैविक कीटनाशक कैसे बना सकते हैं और उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और पूरी जानकारी के लिए हमारा वीडियो को पूरा देखें। आइए अब मैं बताता हूँ जैविक कीटनाशक कैसे बनाएंगे और इनमें किन चीज़ों का इस्तेमाल होगा। ये तीखी लाल मिर्च है, इसको हम लोग डंडी के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये खैनी की डंडी है जिसको हम लोग तंबाकू भी बोलते हैं। ये तंबाकू का वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे हमें खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। साथ में हमें तीसरी चीज़ थोड़ी सी तंबाकू लेनी है। ये तीनों चीज़ को हमें मिला के मैं जैविक कीटनाशक बनाऊँगा। एक प्लास्टिक या शीशे का जार लें, इसमें आधी मात्रा में पानी भर दें। अब इसमें लाल मिर्च डंडी के साथ डालें। अब इसमें बराबर मात्रा में तंबाकू की डंडी डालें। अब इसमें थोड़ा खैनी भी डाल देते हैं। अब मैं इसके ढक्कन को बंद कर रहा हूं। सबसे पहले इसे अच्छे से मिला लें और इसे ऐसी जगह घर के कोने में रख दें जहां पर सूर्य की रोशनी ना आती हो और इसे 48 घंटे तक वहीं पर रहने दें। ये मैंने 2 दिन पहले डाल रखा था। इसकी पानी बिल्कुल गहरे और डार्क कलर की हो गई है, बिल्कुल देखने में ब्राउन लग रहे हैं। अब मैं इसे छान लेता हूँ। ये है हमारा जैविक कीटनाशक, इसमें अब बराबर मात्रा में पानी मिला लें। इसे मैंने एक स्प्रेयर में डाल दिया है। अब मैं इसे पौधे पर इस्तेमाल करूंगा। अब मैं इसे इस पौधे के ऊपर स्प्रे कर रहा हूं और एक बात का ध्यान रखें, धूप निकलने के बाद ही स्प्रे करें और कम से कम 7 से 8 घंटे तक इसके ऊपर पानी ना डालें। जिस पौधे पर कीड़े लगे हो तो उस पौधे पर 2 या 3 दिन के अंतराल पर 3 या 4 बार इस्तेमाल करें, सारे कीड़े मर जाएंगे। और एक बार जरूर बात, फल या खाने वाली सब्जियों पर इसका इस्तेमाल जरूर करें। इसके इस्तेमाल से कोई नुकसान नहीं होते हमारे शरीर के ऊपर। चलिए दोस्तों, ये तो हुआ जैविक कीटनाशक के बारे में। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा पोटिंग मिक्स सब्जियों के लिए कैसे बना सकते हैं और इसके इस्तेमाल से हम लोग सब्जियों का उत्पादन डबल कैसे कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए, अगली जानकारी के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।